सरायकेला जिले के नीमडी थाना क्षेत्र के लुपुंगडी से पुलिस ने झोले में रखा एक महिला का कटा सर बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की दोपहर करीब 2 बजे उगडीह निवासी गिडू गोप एक महिला का कटा हुआ सर को झोले में रखकर घूम रहा था। इसी दौरान जब ग्रामीणों ने देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने तक हत्यारा गिडू गोप झोला छोड़कर भाग गया। मामले की छानबीन करते हुए नीमडी थाना प्रभारी अली अकबर खान पहुंचे तथा हत्यारा गिडू गोप को धर दबोचा तथा उसके निशानदेही पर करीब 3 घंटे के बाद महिला की धड़ को पितकी राइस मिल के पास से बरामद किया। घटनास्थल पर पहुंचे मृतका के बेटे चांडिल थाना क्षेत्र के कुमारपाड़ा निवासी विनोद कुमार ने बताया कि उसकी मां पिछले 4 साल से घर से भागी हुई थी और इधर उधर रह रही थी। थाना प्रभारी ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी नहीं हुई है एवं हत्या के कारणों का भी पता फिलहाल नहीं चला है।